ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है, आचार्य अमरचंद्र स्वामी द्वारा लिखी गई है, अनुपम रचना। कल हमने यहाँ टोडरमल जी द्वारा लिखे हुए मंगलाचरण की चर्चा थोड़ी बहुत आपके बीच में की थी। टोडरमल जी साहब ने इस ग्रंथ का मंगलाचरण लिखा, टोडरमल जी साहब ने इसकी लिखना प्रारंभ किया। 300 वर्ष हो गए, पौने 300 वर्ष हो गए लगभग उस घटना को भी। देखो विद्वानों ने कितना काम किया, आचार्यों ने कितना काम किया, वितरागी संतों ने कितना काम किया। अब यदि हम उनके द्वारा किए गए इस कार्य को पढ़े भी नहीं तो हमसे बड़ा ज़्यादा अभाग्यवान दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, एक तो वो लिखने वाले, उनकी मेहनत कितनी होगी, और हम पढ़ भी ना सकें, हम कितने अभागे हैं। मंगलाचरण में सबसे पहले नमस्कार कर रहे हैं केवल ज्ञान ज्योति को, नमस्कार कर रहे हैं सर्वज्ञता को, नमस्कार कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का। यह मंगलाचरण है, तज्जयति जयवंत वर्ते परम ज्योति, तज्जयति उसकी विजय हो, तत् माने वह परम ज्योति सर्वोत्कृष्ट ज्योति विजय को प्राप्त हो। कैसी है वो कि समम, समम माने समान रूप से, समम फिर आगे क्या कहा, समस्तैर अनंत पर्यायी, पेज नंबर 21 पर है, समस्त अनंत पर्याय दर्पण के समान, इव माने होता है समान, सकला सभी प्रतिफलती झलकती हैं। कैसे, पदार्थ मालिका यत्र, जिसमें पदार्थ सारे जगत के पदार्थ भूत भविष्य वर्तमान कालीन सर्व पर्यायों सहित झलकते हैं, ऐसे केवल ज्ञान को यहाँ वंदन किया है, ऐसे ज्ञान स्वरूप को यह वंदन किया है। आप जानते हैं हमारे इस जैन परंपरा का बेस क्या है, ये जैन शासन, ये जैन दर्शन किसके दम पर टिका हुआ है, ये बता सकते हैं आप किसके दम पर टिका हुआ है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन हमारा ये जैन शासन सर्वज्ञता के ऊपर टिका हुआ है, केवल ज्ञान के ऊपर टिका हुआ है, अनंत भगवान के दिव्य ज्ञान के ऊपर टिका हुआ है। हम कोई भी बात कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कोई भी बात कहते हैं, हमारे यहाँ जिनवाणी में कोई भी बात कहते हैं, वो जिनवाणी की पूरी बात सर्वज्ञ भगवान के ऊपर आधारित रहती है। सुनो, सर्वज्ञ भगवान को निकाल कर एक तरफ रखो और फिर कहो जिनवाणी की सत्यता का बेस क्या है, बोले कुछ नहीं है। ये जिनवाणी, ये श्रुत जो अवतरित हुआ आज के दिन, जिसे बहुत धूमधाम से मनाया, हमने मनाते हैं, वर्षों से मना रहे हैं इस श्रुत पंचमी नामक पर्व को। मुझे बतलाते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि श्रुत पंचमी पर्व को मनाने की शुरुआत भी यदि कहीं से हुई तो वो तेरापंथी दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जौहरी बाजार, जो टोडरमल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, आज के लगभग 70 साल पहले ये परंपरा शुरू हुई, और वो टोडरमल जी के उत्तराधिकारी विद्वानों के माध्यम से इस परंपरा को शुरू किया गया, टोडरमल जी के मंदिर से ही। और आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस श्रुत पंचमी नामक पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्या है ये श्रुत, क्या है ये पंचमी, कहां से शुरू किया हमने, तज्जयति परम ज्योति से। ये मंगलाचरण है, रोजाना बोलेंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण, दो छंदों में मंगलाचरण है। पहले में ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है, दूसरे में नमस्कार किया है उस परमागम स्वरूप अनेकांत को, अनेकांत को नमस्कार किया है, स्यात्पाद मयि वाणी को नमस्कार किया है सेकंड नंबर पर, दोनों छंद बोलेंगे। यहाँ केवल ज्ञान बेस है, किसका बेस है भैया, केवल ज्ञान जिनवाणी का।
हमारी जिनवाणी हमारे शास्त्र चार अनुयोगों में विभक्त हैं। चार अनुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। हमारा प्रश्न है आपसे, इन चारों अनुयोगों में से यदि आप सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञता, केवल ज्ञान, दिव्य ज्ञान उसे निकाल दो तो क्या बचेगा, बताओ स्वीकार कर पाएंगे आप? सोचिए जरा, आप स्वीकार कर पाएंगे क्या? प्रथमानुयोग की बातें बोलो। प्रथमानुयोग, ऋषभ देव भगवान एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए थे आज से, है भरोसा आपको? कोड़ा कोड़ी सागर पहले, क्या बात कर रहे हो साहब, सागर कितना बड़ा होता है? 500 धनुष की काया थी साहब ऋषभ देव भगवान की, 84 लाख पूर्व की आयु थी भाई साहब ऋषभ देव भगवान की, 84 लाख पूर्व की, 101 पुत्र थे, भरत बाहुबली उन्हीं के पुत्र थे, भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा थे, इतने बड़े सम्राट थे, 96,000 रानियां थी भरत चक्रवर्ती की, है भरोसा आपको? प्रथमानुयोग है। मैं ये कह रहा हूं सर्वज्ञता के बिना, जिसके लिए यह कहा है तज्जयति परम ज्योति, तज्जयति जिसके लिए विजय प्राप्त करने की बात कही है, जिसकी महिमा और जिसे यहां सबसे पहले वंदन किया गया है, कल करेंगे इसके स्वरूप की चर्चा विस्तार से हम। आज तो सिर्फ अपन इस श्लोक का अर्थ देखेंगे और श्रुत पंचमी की चर्चा के साथ में कुछ कॉम्बिनेशन बैठा के। श्रुत पंचमी हम कह रहे हैं प्रथमानुयोग का आधार सर्वज्ञता, चरणानुयोग की बात करो, चरणानुयोग आप जानते हैं चरणानुयोग क्या होता है? यदि कोई नए लोग हो जो इन चारों अनुयोगों के बारे में नहीं जानते हो, तो मेरा सिंगल प्रवचन है चार अनुयोग पे, वहां से सुने। श्रुत पंचमी पर भी पिछले 20 वर्षों से लगातार प्रवचन किए हैं, YouTube पर एक प्रवचन है श्रुत पंचमी के नाम से, आप सुन सकते हैं, डलास टेक्सास अमेरिका में किया हुआ श्रुत पंचमी। प्रथमानुयोग समझ में, प्रथमानुयोग कहानियां, पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, रामायण और महाभारत के युग की घटनाएं, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान उनका जीवन चरित्र, शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र सब प्रथमानुयोग में है। राजा श्रेयांश की चर्चा, राजा श्रेणिक की चर्चाएं, उनकी कथाएं, ये सब कहाँ मिलेगी? मैना सुंदरी की चर्चा कहाँ मिलेगी? श्रीपाल मैना सुंदरी की चर्चा बोले प्रथमानुयोग में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस प्रथमानुयोग का बेस क्या है, क्या है उसकी सत्यता का आधार, बतला सकते हैं? परमार्थ है ये बात, इस बात को कैसे स्वीकार किया जाए? एक ही आधार है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, स्वीकार करना पड़े क्या? स्वीकार करना पड़ेगा भाई साहब आपको, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी है और सत्य है। चरणानुयोग की बात करो, चरणानुयोग क्या होता है? आचरण की चर्चा करने वाले शास्त्रों का नाम है चरणानुयोग। आलू में अनंत जीव है, आलू में अनंत जीव है, क्या बात कर रहे हो आप? जमीकंद मत खाओ, गाजर में अनंत जीव है, मूली में अनंत जीव है, शकरकंद में अनंत जीव है। अरे किसने देखे, किसने देखे, हम नहीं मानते। अनंत निगोदिया जीव, स्वर्ग नरक, ये करणानुयोग की चर्चाएं किसने देखे? सर्वज्ञ भगवान। आत्मा होता है, परमात्मा होते हैं, भगवान थे, तत्व 7 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, कौन स्वीकार करेगा, कैसे स्वीकार करेगा, क्यों स्वीकार करेगा? भाई साहब सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, इसलिए स्वीकार करने योग्य है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां सबसे पहले सर्वज्ञता को क्यों नमस्कार किया, यहां सबसे पहले केवल ज्ञान को क्यों नमस्कार किया, सबसे पहले यहां ज्ञान स्वरूप को क्यों नमस्कार किया, ज्ञान गुण को क्यों नमस्कार किया, उस चैतन्य स्वरूप को क्यों नमस्कार किया, उसे जयवंत वर्तने की चर्चा यहां इस पहले श्लोक में क्यों की गई? क्योंकि वो सारे जिनादम का आधार है, संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी इसके बेस पर लिखी गई है। पहला श्लोक, श्लोक हमने पढ़ लिया है, मंगलाचरण के समय पढ़ा था हमने, वापस पढ़ लीजिए, सब लोगों को याद होना चाहिए। क्या बच्चों याद करना बेटा श्लोक? तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्त पर्यायैः दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र।
अन्वय अर्थ देखिए, यत्र माने जिसमें, यत्र शब्द का अर्थ होता है जहां, जहां माने जिसमें, दर्पण तल इव, दर्पण तो सब जानते हैं मिरर को कहते हैं, मिरर माने होता है दर्पण, आईना, आईना, इव दर्पण के समान, दर्पण के तल की तरह, सकला माने समस्त, पदार्थ मालिका पदार्थों का समूह, दर्पण की तरह जिसमें समस्त पदार्थों का समूह, समस्तैर अनंत पर्यायै समम, अतीत अनागत और वर्तमान, अतीत माने पास्ट, अनागत माने फ्यूचर, और वर्तमान काल की समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिफलती, प्रतिबिंबित होता है, तत् माने वह परम ज्योति है, सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना रूप प्रकाश जयवंत वर्तो, सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना का प्रकाश जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, अरे वो ज्ञान जयवंत वर्तो, जिस ज्ञान में सारा लोका लोक और अनंत अनंत पर्याय स्पष्ट झलकती है, उस ज्ञान की विजय प्राप्त करने की बात यहां कह रहे हैं, उस ज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं, उस ज्ञान को वंदन कर रहे हैं। भाई साहब चारों अनुयोग श्रुत पंचमी आज लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, आज मौखिक चले आ रहे थे, कहानी सुनना चाहेंगे क्या, क्या करेंगे सुन करके, मूल मुद्दे की बात कर लो यार, क्या दम है, बहुत सुनी है कहानियां, बरसों से सुन रहे हैं, हर साल सुनते आ रहे हैं, वही कथा है, वही कहानी है, वही किस्सा है, पूरा का पूरा आज दिन भर में सुना होगा, कई लोगों के व्याख्यान सुने होंगे, जगह जगह चलते रहते हैं, कई दिनों से चल रही है चर्चा, कई दिनों तक चलती रहेगी, गोष्ठियां चल रही है, पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं, तो कहानी सुनाने में कुछ मेरे को दम नहीं लगता है, कहेंगे तो सुना भी दूंगा, पुराने मैंने हवाला दे दिया आपको पुराने प्रवचन का, सुनाऊं, नहीं सुनी है, अरे नहीं मालूम क्या, ओ धर्सेनाचार्य तक भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से श्रुत ज्ञान उत्तर उत्तर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, मौखिक, मौखिक लिपिबद्ध नहीं हुआ था, शास्त्र नहीं लिखे गए थे, आगम नहीं लिखा गया था, सुनो जरा, भगवान महावीर स्वामी से चली मौखिक, भगवान महावीर स्वामी ने अपने लाइफ में 30 वर्षों तक सिर्फ जवानी उपदेश दिया, एक अक्षर भी लिखा नहीं, जब भगवान महावीर स्वामी ने लिखा ही नहीं तो उनके शिष्य पढ़ेंगे क्या, ये तो बताओ, जब महावीर स्वामी ने लिखा ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या, तो फिर क्या होगा भाई साहब, मौखिक चला, इंद्रभूति गौतम ने सुना, सुधर्म स्वामी ने सुना, जम्बू स्वामी ने सुना, सुना और सुनाया, सुना और सुनाया, केवलियों की परंपरा चली, फिर पांच श्रुत केवलियों की परंपरा चली, द्वादशांग के ज्ञाता थे, परंपरा से चलते 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 क्या हुआ, शॉर्ट में सुनाता हूँ जी, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में चर्चा करता हूँ पूरी कहानी की, बस फिर क्या हुआ, धर्सेनाचार्य तक आते आते भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण गए हुए 683 वर्ष बीत गए, और 683 वर्ष बीत जाने पर धर्सेन नाम के आचार्य को अल्प रह गया ज्ञान, क्योंकि भाई 100% ग्रास्पिंग नहीं होती है ना, हम जितना सुनाएंगे उतना 100% आपको नहीं रहता है, मुकेश जी कह रहे हैं पूरी कहानी सुना दीजिए, देखिए शॉर्ट में सुनाता हूं, पूरी सुनाऊंगा, लेकिन आपको पूरी सुनने को मिलेगी, नहीं है, लो और लिख रहे हैं राजेश जी, डिटेल में सुनाइए, सुनो फिर सुनो, कोई बात नहीं, आप लोगों ने सुनी नहीं है तो, बहुत से लोगों ने नहीं सुनी, नए एंगल से सुनाऊंगा, नई बातें बतलाऊंगा, सुनाने का दृष्टिकोण अलग होगा, आपको थोड़ा नयापन मिलेगा, सुनो कहां तक आ गए हम, परंपरा से चलते हुए धर्सेन आचार्य तक आ गए, धर्सेन नाम के आचार्य, अब धर्सेन आचार्य को द्वादशांग जो कि भगवान महावीर स्वामी के से सुनी हुई बात इंद्रभूति गौतम ने गूंथी थी, द्वादशांग मई जिनवाणी गूंथी थी उन्होंने, चैप्टराइजेशन किया था उनका, और परवर्ती लोगों के बाद में आगे उसको प्ररूपित किया था, वो द्वादशांग का ज्ञान घटते 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 एक अंग का भी अंश मात्र ज्ञान रह गया धर्सेन नाम के आचार्य को, विकल्प आया उनको, अरे यार ये क्या हुआ, इन बातों को लिखा नहीं गया बेटा तो क्या होगा, आगे कैसे चलेगी ये,
इनको लिख करके सुरक्षित करने की जरूरत है, नहीं तो धीरे धीरे करके, अब सर्पनी काल चल रहा है भाई साहब, गिरता हुआ काल चल रहा है, धीरे धीरे करके सब लोग खत्म हो जाएगा, ज्ञान ही खत्म हो जाएगा। अब इतना सब कुछ चला गया, हमें याद नहीं है, हमने कितना पढ़ाया आपको, बोलो यदि आप लोग इसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो क्या होगा, सुनी हुई बात आपसे 3 दिन बाद में पूछो तो आपको याद नहीं रहती, और 3 महीने बाद में पूछो तो तब तो कहते अच्छा आपने बताई थी क्या, ऐसा लगता है। 3 साल बाद में तो कहता हमने तो कभी सुनी ही नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। सोचो जरा, माने काल के बीत जाने पर ऐसी पोजीशन हो जाती है जैसे कभी सुना ही नहीं हो। एक परीक्षा मुख नाम का सूत्र ग्रंथ है अपने, उसमें आचार्य माणिक्य नंदी सूत्र कहते हैं, दृष्टोपि समारोपात तादृक, देखा हुआ भी काल का अंतर्जाल पड़ जाने पर बिना देखे हुए जैसा हो जाता है, देखा हुआ भी ऐसे हो जाता है जैसे देखा ही नहीं हो, सुना हुआ भी ऐसे हो जाता है जैसे सुना ही नहीं हो, गैप पड़ जाए तो, टाइम का अंतराल पड़ जाए तो। इसलिए कहते हैं ना भैया, विद्या विसरी क्यों कि फेरा नहीं, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या विसर जाए, और जगरे पर बाटी जले चेला कौन उपाय। सुनी क्या, पहेली पूछ रहा हूं आपसे, पहेली पूछ रहा हूं, पहेली बूझो तो जाने, 2 लाइनें हैं, क्या है, पान सड़े घोड़ा अड़े और विद्या विसर जाए, भूल जाए, और जगरे पर बाटी जले, चेले से पूछ रहे हैं बोलो कौन उपाय, उपाय क्या है, तो बोले एक ही उपाय है, पंडित जी फेरा नहीं, गुरुजी उसको बदला नहीं, गुरुजी उसको पलटा नहीं, एक ही तरफ रहा ना, उसको पलटते रहो, पापड़ है सेक रहे हो तो क्या करते हो उसको, रोटी सेकते हो तो क्या करते हो, एक ही तरफ सेक नहीं, फेरो उसको, बाटी सेक रहे हो तो क्या करोगे, फेरो उसको, बदलो उसको, घोड़ा है और आपने उसको अस्तबल पे खड़ा कर दिया, उसको अस्तबल पे, और खड़ा है वो, और खड़ा ही रहे महीनों तक, अब वो अकड़ जाएगा भाई साहब, वो चल नहीं पाएगा वो। इसलिए घुड़सवार लोग घोड़े को रोजाना दौड़ाते हैं, रोजाना दौड़ाते, खड़ा खड़ा अड़ जाएगा वो। अब कह रहे हैं ज्ञान क्यों चला गया आपका, बतलाओ, इतने उदाहरण दे दिए, वो भी वही चक्कर है, फेरा नहीं, रिपीटेशन नहीं हुआ, समझ में आ रही है बात, उसको रिपीट नहीं किया हमने, यदि आपने उसको दोहराया नहीं तो वो आपके ज्ञान से निकल जाएगा। मैं कभी कभी जब मेमोरी की बात करता हूं ना बच्चों से, तो मैं कहता हूं उनसे, बेटा किसी भी चीज को याद करने का तरीका है, आप लोगों को भी सुना देता हूं, श्रुत पंचमी का प्रसंग है साहब, श्रुत को अपने हृदय में सुरक्षित करने का प्रसंग चल रहा है, श्रुत पंचमी का प्रसंग है। कोई चीज याद कैसे रहती है बताओ, कैसे याद रखी जाए किसी भी चीज को, उपाय क्या है, उपाय ये, अभी याद करो, 2 लाइनें याद करो आप अभी, तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्यायी दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, सुना दी साहब 2 अभी लाइनें आपने बोली पंडित जी, अभी के अभी सुना दी हमने, याद हो गई। सुनो ऐसे काम नहीं चलेगा, 1.5 घंटे के अंदर अंदर दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो याद नहीं रहेगी भाई साहब। आपने अभी जो 2 लाइनें क्योंकि तुरंत सुनी है ना, और सुनते ही आपने सुना दी हमारे को, बात हो गई, अरे साहब याद हो गई, याद हो गई, और हमने 4 घंटे बाद में पूछा क्या था यार, याद नहीं आ रहा, गया। याद करने का फॉर्मूला बतला रहा हूं आपको, याद करने के लिए 1.5 घंटे में अंतर मुहूर्त में आप उसे वापस रिपीट कर लीजिए, 1.5 घंटे में एक बार और बिना देखे हुए, और यदि आपने 48 मिनट में बिना देखे उसको बोल लिया तो समझ लीजिए आपको याद है, लेकिन सुनो 12 घंटे में उसको दोबारा देखना, 12 घंटे के अंदर अंदर रिपीट करना, बिना देखे बोलना उसको। अब 12 घंटे में यदि आपने दोबारा देख ली, बिना देखे बोल लिया उसको, फिर 24 घंटे में एक बार फिर उसको बिना देखे बोल करके देखना कि याद है या नहीं है, संभाल लेना उसको। और आपने 24 घंटे में ऐसे 3-4 बार उसको संभाल लिया, बिना देखे मेमोरी में आ गया बात, तो 7 दिन तक उसे याद करने की जरूरत नहीं है, 7 डेज के लिए वो आपकी मेमोरी में पक्की हो जाएगी वो बात, 7 दिन के लिए, ज्यादा की नहीं कहता हूं, 7 दिन में फिर रिपीट कर लो उसको। अब हर 7 दिन के अंदर रिपीट करते रहो आप उसको,
अब यदि 7-7 दिन में रिपीट करते हुए आपने महीना डेढ़ महीना निकाल दिया, मैंने 5-6 बार ऐसा हो गया, अब एक महीने का भी यदि आप गैप दोगे तो आपको वो चीज याद रहेगी, और फिर एक साल के अंतराल में भी आप बोलोगे तो चीज आपको याद रहेगी। ये याद करने का तरीका है, थोड़े थोड़े से टाइम में आप उसको रिपीट करते रहिए। तो हमने क्या कहा भाई साहब, ज्ञान का क्षय उपशम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, याद की हुई चीज लोग भूलते चले जा रहे हैं, क्या होगा? धर्षेनाचार्य को आया विकल्प, इसको लिख लेना बहुत जरूरी है। सुनी हुई बात को नोट कर लो आप, और आपने यदि नोट कर लिया अब क्या होगा बोलो, अब जब भी जरूरत हो किताब खोली और देख लिया। पता है हमारे अकाउंट्स में जब हम पढ़ते थे ना अकाउंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूं मैं शुरू से, बाद में फिर फिलोसॉफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, फिलोसॉफी पढ़ी, जैन दर्शन पढ़े, सब दर्शन पढ़े, तो हमारे अकाउंट्स के अंदर एक नियम बतलाते थे गुरुजी। सबसे पहला नियम, नियम क्या है अकाउंटेंसी का, पहला नियम क्या है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। क्या क्या कहते, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ये फॉर्मूला है कि भैया लिख लिया बस और फिर दे दो आप, फिर किसी को चाहे 1,00,000 रुपए दो, चाहे 50,000 दो, के 50,00,000 दो, कुछ भी दो, पहले लिख पीछे दे। अब भूल नहीं होगी, लिखा हुआ है ना हमारे पास। तो लिखने के बहुत बड़े लाभ हैं। तो धर्षेनाचार्य को विकल्प आया लिखना जरूरी है, उम्र बहुत हो गई थी, बोले मैं नहीं लिख पाऊंगा, अब क्या करूं इसके लिए। तो वहीं पास में महिमा नगरी में एक सम्मेलन चल रहा था, मुनिराजों का सम्मेलन चल रहा था, युग प्रतिक्रमण कहते हैं, युग प्रतिक्रमण हर 5 वर्ष में हुआ करता था, और देश के सारे मुनिराज एक जगह पर एकत्रित होकर के 5 वर्षों की अपनी पुरानी सारी दास्तान सुनाते थे, चर्चाएं सुनाते थे, चर्याओं के बारे में सुनाते थे, आचरण के बारे में सुनाते थे, अपने द्वारा किए गए कार्य, मतलब वो सब उनका सम्मेलन होता था, मुनि सम्मेलन 5 वर्ष में। 5 वर्ष का एक युग कहलाता है, युग कहते ना अपन, युग बीत गए साहब, युगों युग युग से इच्छा सागर में। ये युग माने क्या होता है, युग माने कितना होता है, बोले 5 वर्ष का एक युग होता है, ओनली 5 ईयर्स। तो युग प्रतिक्रमण, तो वहां एक सम्मेलन चल रहा था, वहां संदेश भिजवाया धर्षेनाचार्य देव ने, और वहां से 2 मुनिराज अरहत बलि आचार्य के निर्देशन में वहां से भेजे गए, और वे दोनों मुनिराज आ गए। ये लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे धर्षेनाचार्य, और अंतिम प्रहर में इन्होंने स्वप्न देखा था, स्वप्न में 2 बैल दिखाई दिए। आपने जगह जगह श्रुत पंचमी की ऐसी पिक्चर देखी होगी, धर्षेनाचार्य बैठे हुए हैं गिरनार पर, अब वहाँ लेटे हुए हैं और स्वप्न दिख रहा है ऐसा, और 2 बैल दिखाई दे रहे हैं, हट्टे कट्टे 2 बैलों को देखा उन्होंने, और उस स्वप्न के फल स्वरूप, उस स्वप्न का फल यह था कि 2 युवा बहुत विशेष ज्ञान के धारी मुनिराज आपके चरणों की शरण में आने वाले हैं, और 2 मुनिराज आ गए। उन दोनों मुनिराजों का नाम था नरवाहन और सुबुद्धि। क्या नाम था? नरवाहन और सुबुद्धि। ये 2 मुनिराज उनके सामने आ गए, जब सामने आ गए और समझ गए कि ये वही है, और इनको मेरे को ज्ञान दान देना है, इनको शिक्षा प्रदान करनी है, और इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी है कि शास्त्रों को लिपिबद्ध कर दो, लिख दो, ऐसा प्रसंग बना। बोले बता दूं क्या इनको? पता नहीं यार, होशियार है कि नहीं है, मैं इनको बता दूं कुछ का कुछ लिख देंगे, पता नहीं क्या होगा। क्या बोलो, हम पता नहीं क्या समझते थे, हम तो ये समझते थे पता नहीं यार, पता नहीं कितना क्या समझाएंगे, क्या लिखेंगे, क्या होगा, ये जो भी है बात स्थिति। चलो खैर कोई बात नहीं, बोले क्या करें, परीक्षा ले लेते हैं इनकी, एक काम करते हैं, 2 दिन का समय लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। देखो बोला हुआ मिट जाता है, लिखा हुआ नहीं मिटता है भाई साहब, कह करके भूल जाता है। अब आज हमारी जो स्थिति है ना, ये बोले हुए की ये बोला हुआ भी लिखे हुए जैसा है, हम मुकर नहीं सकते आपके सामने, यहाँ सामने बैठ करके कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ का कुछ बोल दे रहे हैं भाई साहब, लिखा हुआ है ये तो, आप रिकॉर्डिंग सुना दोगे हमारे को, लाइव चल रहा है यहाँ, तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं इसके अंदर कुछ भी, एक वाक्य इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं और सब लाइव सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऐसी लिखी हुई चीज रिकॉर्ड हो गई, दर्ज हो गई साहब ये तो, अब इसमें क्या हो सकता है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं हो और लिखा हुआ नहीं हो, आदमी पलट जाए, बात बदल जाए,
पता नहीं क्या कहा था, क्या सुना था, क्या हुआ था, पता नहीं साहब क्या है। तो बोले बहुत जिम्मेदारी का काम है, इन दोनों को शिक्षा देने से पहले एक एक मंत्र दे दिया दोनों को परीक्षा के लिए कि जाओ तुम दोनों इन दोनों मंत्रों एक एक मंत्र की साधना करो, और कोई समस्या हो तो मेरे पास में दौड़ते हुए मत आना, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा समाधान कारक है, साधना करो इनकी सिद्धि करो। एक को जो मंत्र दिया उसमें एक अक्षर कम था, दूसरे को जो मंत्र दिया उसमें एक अक्षर ज्यादा था, और दोनों को भेज दिया गया, दोनों अपने अपने साधना में लग गए। आपको पता ही होगा इस घटना का कि एक के सामने जो देवी प्रकट हुई वो कहानी थी, और दूसरे के सामने जो देवी प्रकट हुई उसके दांत कुछ बाहर निकला हुआ था, एक एक्स्ट्रा दांत दिख रहा था जो सामने एक्स्ट्रा आया हुआ। दोनों समझदार थे, दोनों समझ गए कुछ ना कुछ चक्कर है। देवियां व्यंतर देव बहुत सुंदर होते हैं, ये तो हो नहीं सकता कि इस तरह कुछ ना कुछ गड़बड़। उन्होंने विचार किया कि जरूर मंत्र में कुछ ना कुछ अतिरिक्त है, अतिरिक्त अक्षर को उन्होंने निकाला, एक अक्षर ज्यादा था निकाल दिया। आकर के देवों ने उनकी पूजा की, उनके दांतों की पंक्तियों को पुष्प के समान सुंदर बना दिया अपनी रिद्धि के प्रभाव से, पुष्प जैसे दंत जिनके हो गए उनका नाम पड़ गया पुष्प दंत। और दूसरे जो मुनिराज थे भूतों ने उनकी पूजा की, आंख कम थी ना, एक काणी देवी प्रकट हुई थी, काणी देवी प्रकट हुई थी, वो समझ गए यार कुछ ना कुछ कमी है मंत्र में, कमी दिखाई दे रही है, अक्षर को जोड़ दिया, और जोड़ते ही क्या हुआ, सही रूप में देव लोग प्रकट हो गए। देवों ने पूजा की, भूतों ने उनकी जय जयकार की, थोड़े कमजोर थे बलवान उनको कर दिया, भूत बलि उनका नाम पड़ गया, एक का नाम पुष्पदंत दूसरे का नाम भूत बलि। बस आ गए दोनों धर्मसेनाचार्य के पास, सुनो होशियारी नहीं दिखाई, आप हम जैसे होते तो क्या करते, अरे महाराज आपने जो मंत्र दिया था ना उसके अंदर गलती रह गई थी, हमने सुधार दिया, फिर सिद्धि हो गई। कुछ नहीं बोले एक शब्द भी। देखो आप विनय क्या होती है, शिष्टाचार क्या होती है, शिष्ट किसे कहते हैं, ये हमें धर्मसेन और पुष्पदंत आचार्य को देख करके, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को देख करके सीखना चाहिए। समझ में आ रही है बात, माने हमें इस बात को सीखना चाहिए, हमें इस बात को समझना चाहिए, ये बात बहुत गहराई से समझने योग्य है। गुरु के सामने कभी भी शिष्य होशियारी नहीं दिखाए, क्योंकि गुरु तो गुरु ही है। तुम्हें पता नहीं है जितना तुम्हें सिखाया है उसके अलावा भी कितना गुरु के कंठ में, गुरु के हृदय में, गुरु के अंतर में समाया हुआ है, इसलिए गुरु का कोई पार नहीं पा सकता है। अरे जितना जवान से निकलता है उससे कई गुना ज्यादा अंदर में समाया हुआ होता है, तब जाकर के वाणी से निकलता है। अपनी महिमा का बखान नहीं किया, वे भी समझ गए कि दोनों योग्य हैं, निर्देश दिया, आदेश दिया, खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, उनको समझाया, और समझा करके कहा सुनो तुम जाओ हमारे यहां से, और जाकर के मैंने जो काम कहा है तुम्हारे को उस काम को पूरा करो। देखो रुका नहीं, रुक जाते तो वे जानते थे मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरी भैया वृत्ति में लग जाएंगे, काम अधूरा रह जाएगा। दोनों को भेज दिया, दोनों मुनिराज चले गए अंकलेश्वर के पास, जाकर के उन्होंने चातुर्मास किया, और वहां जाकर के उन्होंने पुष्पदंत आचार्य बड़े थे, उन्होंने ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। पुष्पदंत स्वामी ने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, पुष्पदंत स्वामी ने 5 खंड लिखे, पुष्पदंत स्वामी ने 5 खंड, खंड माने चैप्टर, बड़े बड़े चैप्टर। शुरुआत किए नमोकार मंत्र से, तो हम कहते हैं जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में सबसे पहले यदि कोई शब्द लिखे गए तो उसका नाम है नमोकार मंत्र। क्या समझ में आ गई? दो मुनिराजों के नाम, पुराने नाम क्या थे इनके, नरवाहन और सुबुद्धि, सुबुद्धि नरवाहन और सुबुद्धि, इनके नाम क्या पड़ गए, पुष्पदंत और भूतबली, इन्हीं के नाम से इनको जाना जाता है। सबसे पहले नमोकार मंत्र मंगलाचरण के रूप में लिखा षटखंडागम में, ग्रंथ का नाम है षटखंड आगम, 6 खंड है जिस आगम के उसका नाम है षटखंड आगम। जीवठान, खुदाबंद, बंद सामित्य विचय, वेदना, वर्गणा और महाबंध, 6 खंड है। इन 6 खंडों में से 5 खंड लिखे पुष्पदंत आचार्य देव ने, और 6ठा खंड लिखा भूतबली आचार्य ने। संक्षिप्त परिचय देते हुए आगे बढ़ूंगा मैं, सुनो 5 खंडों में
जो पांच खंड लिखे गए थे ना, बहुत विस्तार थे, बहुत विस्तृत थे। और छठा खंड भी अपने आप में एक अलग ही बहुत विस्तार था। इन पांच खंडों की टीका वीरसेन स्वामी ने लिखी, और भी कई आचार्यों ने लिखी, समंत भद्राचार्य ने लिखी। ऐसा कहा जाता है तीन खंडों के ऊपर कुंद कुंदाचार्य देव ने भी परिक्रम नामक टीका लिखी थी। तुम्बुलूराचार्य की टीका है, सामकुंड की टीका है, चार पांच टीकाएं पहले भी लिखी गई थी इस छठखंडागम के ऊपर, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। लगभग 8वीं शताब्दी में वीरसेन आचार्य के द्वारा लिखी गई टीका जिसका नाम है धवला। मैं जिन ग्रंथों की आपसे बात कर रहा हूं, ये ग्रंथ वो हैं जिनका संबंध सीधा भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जोड़ा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रंथ है छठखंडागम, उसकी टीका पांच खंडों की टीका है धवला। 16 भाग है ऐसे मोटे मोटे ग्रंथ, 16 ग्रंथ है ऐसे मोटे मोटे, धवला नाम है उनका, वीरसेन आचार्य द्वारा लिखे गए। दूसरे जो छठा खंड था, पांच खंडों की टीका हुई धवला, छठे खंड का नाम है महाबंद, उसको कहते हैं महाधवला। ये हो गई धवला, 16 भाग धवला, महाधवला छठा खंड, जिसको लिखा था भूतवली आचार्य देव ने, छठा खंड है वो, 7 भाग है उसके, वो कहलाती है महाधवला। और उसी समय में एक और ग्रंथ लिखा जा रहा था जिसका नाम है कषाय पाहुड़, और उसकी टीका भी वीरसेन स्वामी ने लिखी, वो कहलाती है जय धवला। धवला, महाधवला और जय धवला, तीन शब्द हो गए। सुनो, ये तीनों जैन परंपरा में इतने ज्यादा प्रामाणिक हैं, इतने ज्यादा प्रामाणिक हैं, इतने ज्यादा प्रामाणिक हैं कि कभी किसी प्रसंग पर यदि कोई विवाद चर्चा कुछ भी उठ जाए और ये कह दिया जाए धवला में ऐसा लिखा है, इट मीन्स यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इतने प्रामाणिक धवला में, 16 भाग धवला के, 7 भाग महाधवला के और 16 भाग जय धवला के। ये 39 ग्रंथ ऐसे हैं जिनका संबंध भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जोड़ा जाता है। चलो खैर, ये तो थोड़ी इतिहास की बातें हुई, बात ऐसी हुई, घटना ऐसी घटी, जिस दिन ये ग्रंथ लिख करके पूर्ण हुए वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन। क्या वो दिन था? ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन, आज का दिन। और जिस दिन ये ग्रंथ लिख करके पूर्ण हुआ, सुरक्षित हो गया, सब लोगों ने, चतुर्विध संघ ने मिलकर के बहुत धूमधाम से पूजा की, अर्चना की, जनवाणी की, जय जयकार की, धन्य है जनवाणी माँ, माँ सुरक्षित हो गई, जनवाणी सुरक्षित हो गई। सुनो, ये जनवाणी की सुरक्षा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन श्रुत सुरक्षित हुआ था, इसलिए श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्रुत पंचमी, श्रुत पंचमी, श्रुत पंचमी। 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी है धवला टीका, धवला धवला धवला, जय धवला, महाधवला। वीरसेन आचार्य देव ने मुनि अवस्था में रहते हुए 72,000 श्लोक प्रमाण काम किया है, और कैलकुलेशन निकाली थी मैं कल परसों धवला में देख रहा था, 2-3 दिन पहले, तो करीब 24 वर्ष का काल लगता है लगभग उसकी रचना होने में, इतना लंबा काल साहित्य साधना का है धवला टीका का, तब जाकर के वो काम होते हैं। भाई साहब, ये साहित्य साधना के काम है। चलो, मुझे आपसे ये कहना है, शास्त्र सुरक्षित हो गए, श्रुत पंचमी हो गई, अब पूरी हो गई श्रुत पंचमी, अब क्या करना है भाई साहब बतलाओ? हो गई ना श्रुत पंचमी, शास्त्र लिख दिए गए, शास्त्र पूरे हो गए, छप करके तैयार हो गए, जन जन के पास में पहुंच, अब क्या है? अब थोड़ी ना जरूरत है, अब तो सब जगह मौजूद है कि नहीं? भाई साहब सुनो, श्रुत पंचमी कैसे मनाएंगे अब आप ये बतलाइए मुझे। असली चर्चा तो आज अब शुरू करेंगे हम आपके बीच में, अभी तक तो सुनी हुई कहानी सुनाई है हमने आपको। तज्जयति परम ज्योति, ये जयवंत कैसे रहेगी ये बताओ, जयवंत कैसे रहेगी? उन्होंने लिखा, लिख करके काम पूरा हो गया, अब कैसे चलेगी ये तो बताओ, अब इसको चलाने के पीछे क्या काम हो सकता है? उन्होंने तो सुरक्षित कर दी, भूतबली आचार्य देव, पुष्पदंत आचार्य देव, परंपराचार्यों ने लिख दिया, सब कुछ हो गया। सुनो, शास्त्र तो सुरक्षित है, श्रुत तो सुरक्षित है, जनवाणी तो सुरक्षित हो गई, वैसे सुरक्षित हो गई जो खतरा था, क्षयोपशम ज्ञान के दम पर जो खतरा था उस खतरे से तो निपट गए। श्रुत पंचमी उन्होंने सार्थक कर ली, मना ली, हम क्यों मनाए? आज भी जनवाणी की सुरक्षा की जरूरत है, आज भी जनवाणी खतरे में है भाई साहब,
आज भी जनवाणी खतरे में है, हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है इसकी सुरक्षा के लिए। प्रतिज्ञा लीजिए आज श्रुत पंचमी के प्रसंग पर, दृढ़ हृदय हो जाइए। संकल्प दिवस मनाया हमने परसों, संकल्प लिया हमने, संकल्प लेते हैं हम संकल्प लेते हैं इस जनवाणी की सुरक्षा का। कैसे करेंगे भाई साहब सुरक्षित, कैसे करेंगे बोलो, हम क्या कर सकते हैं साहब जनवाणी की सुरक्षा के लिए। सुनो मैंने कल परसों ही कही शायद, कब कही मैंने, अच्छा कल कोटा वालों के लिए भेजा मैंने, मैंने कोटा वाले जो श्रुत पंचमी का आयोजन रख रहे हैं मुमुक्षु आश्रम वाले, उनके लिए मैंने भूल करके भेजा। मैंने कहा सुनो सबसे पहली जिम्मेदारी ये सुरक्षा की अपने आपके हृदय में, बोलो है सुरक्षित आपके पास में जनवाणी, है आपके ज्ञान में सुरक्षित, क्या आप उसको अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में, अपने क्षयोपशम में, अपने उपयोग में, अपने जीवन में सुरक्षित रखने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, बोलो ले रहे हैं आप प्रतिज्ञा कि जनवाणी को अपने जीवन में अपने हृदय में सुरक्षित रखेंगे, पहला काम। दूसरा काम, अपने हृदय में सुरक्षित हो तो अपने परिवार में सुरक्षित रखने की जवाबदारी किसकी है बताओ। सुरक्षा चाहिए ना जनवाणी की, जनवाणी तो है, जनवाणी तो है भाई साहब, जनवाणी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा क्या होगा ये सोचो, हमारा क्या होगा, हमारे परिवार में यदि जनवाणी नहीं रहेगी तो क्या होगा, इसको सोचने की जिम्मेदारी किसकी है। हमने यदि ये जनवाणी के संस्कार हमारे बच्चों में नहीं दिए तो फिर कौन देगा उन्हें, सब खत्म हो जाएगा भाई साहब, निकल जाएगा सब, हमारी जवाबदारी है भाई साहब, समझाओ अपने बच्चों को, सिखाओ अपने बच्चों को। क्या समझ में आ रही है बात, रणमोकार मंत्र उनके कान में डालो, भगवान महावीर स्वामी कौन है इस कथा को उनको सुनाओ, भगवान महावीर स्वामी के माता पिता कौन है पहले खुद जानो, फिर अपने बच्चों को बताओ, ये बताने की जरूरत है। रामचंद्र जी दशरथ के बेटे थे, रामचंद्र जी की पत्नी का नाम सीता था, ये बताने के लिए जरूरत नहीं है किसी टीचर को लगाने की, इस ये बातें बताने के लिए जरूरत नहीं है किसी पाठशाला में भेजने की, रामचंद्र जी की वाइफ का नाम क्या था बोलो, लवकुश रामचंद्र जी के बेटे थे, ये सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऋषभदेव नाभिराय और मरुदेवी की संतान थे ये सिखाने के लिए पाठशाला भेजने की जरूरत है। हिंदू परंपरा में पाठशालाओं की जरूरत नहीं है, वातावरण से सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं, रामायण महाभारत जैसे सीरियल से सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, न्यूज़पेपर में सीखते हैं, कहानियां होती है, गोष्ठियां होती है स्कूलों में, हर जगह पर सीख रहे हैं चर्चाओं में वातावरण से, श्री कृष्ण कौन थे, रामचंद्र जी कौन थे, हनुमान कौन थे, पवन पुत्र हनुमान, न मालूम क्या क्या चर्चाएं, रावण कौन था, वो कौन था, राम का रावण के साथ में युद्ध हुआ था कि राम का कौरवों के साथ में युद्ध हुआ था, तो बच्चे बच्चे जानते हैं यार कौरवों की बात कर रहे हो, कौरव पांडव तो अलग थे, रामचंद्र जी का युद्ध रावण के साथ में हुआ था सब जानते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने किसके साथ में युद्ध किया था बताओ, कौन जानता है, युद्ध किया था उन्होंने, महावीर स्वामी ने युद्ध किया था कि हाँ, कर्म शत्रुओं को जीता था उन्होंने, चार घाती कर्मों को जीता था उन्होंने, फिर चार अघातियां जीत करके सिद्ध अवस्था में वर्तमान में विराजमान है, ये कहानी बताने की जरूरत है, शेर की अवस्था से भगवान महावीर स्वामी की कहानी सुनाने की जरूरत है, पुरुरु भील से सुनाने की जरूरत है, मारीची भी भगवान महावीर स्वामी के ही पूर्व भवों में था ये बताने की जरूरत है, कौन बताएगा। हमने सीखा और अपने बच्चों को नहीं सिखाया तो हमारी पीढ़ियों में ये श्रुत कैसे सुरक्षित रहेगा भाई साहब, ये बताओ हमारी पीढ़ियों में कैसे सुरक्षित रहेगा, दुनिया की तो छोड़ो आप, क्या दुनिया में तो रहेगा तो नहीं है हमारी जवाबदारी इसको सुरक्षित रखने की, कि नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो, हमने तो अपने बच्चे को शास्त्री कराया है, हमने तो अपने बच्चे को पढ़ाया है, हमने हमारे बच्चे को विद्वान बनाया है, हमने तो आगे पहुंचा दिया, जन जन में पहुंचाओ, आस पड़ोस में पहुंचाओ, लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करो, लोगों को सुनाने के लिए प्रेरित करो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, ट्रांसलेट करो, सुनो। एक और बड़ी समस्या आगे आने वाले समय में, अब ये जो श्रुत है ना ये असुरक्षित है, लैंग्वेज की वजह से असुरक्षित है भाई साहब, लैंग्वेज का क्या होगा, प्राकृत समझने वाले नहीं है, संस्कृत समझने वाले नहीं है, अरे हिंदी समझने वाले भी 20 साल बाद में मिलेंगे नहीं, दुर्लभ हो जाएंगे। हमें तो लगता है हम जो व्याख्यान कर रहे हैं 20 साल बाद में इन व्याख्यानों का क्या होगा, खत्म हो जाएगी सारी चर्चा,
कौन समझेगा हिंदी भाषा में? इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फ्रेंच में करो, जर्मनी में करो, रशियन में करो, अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। आप में जितनी बुद्धि है, आप में जितनी सामर्थ्य है, इस श्रुति की सुरक्षा के लिए आपकी जरूरत है। आप कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, आप कुछ योगदान दे सकते हैं। क्या योगदान दे सकते हैं भाई साहब, हम ये बतलाइए, हम क्या योगदान दे सकते हैं? बुद्धि है तो लिखो, आपके पास में लैंग्वेज पावर है ट्रांसलेट करो कि नहीं? नहीं साहब, आपके पास में शक्ति सामर्थ्य है तो पढ़ो और पढ़ाओ, बोलो कि नहीं? नहीं साहब, बहुत मुश्किल है साहब, हमसे तो ये सब नहीं हो सकता। तो पढ़ने के लिए प्रेरित तो कर सकते हो, तो शास्त्र छपवा तो सकते हो, छपने के लिए दान तो दे सकते हो, हमारी तरफ से जनवाणी छपाओ। हमारे में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। एक शास्त्र दान की महिमा का फल है कि एक ग्वाले का जीव आचार्य कुंद कुंद बन गया। ग्वाले थे, ग्वाले पिछले जन्म में कुंद कुंद आचार्य, मालूम है आपको? शास्त्र दान दिया था उन्होंने एक मुनिराज को। जंगल में से आ रहे थे, ग्वाले थे, गायें चराने वाले, और जंगल में आग लग गई और एक जगह पर एक पेड़ हरा भरा दिखाई दिया। नजदीक वहां पहुंच गया और उसने देखा कि वहां शास्त्र रखा हुआ है। ओहो, धन्य है जनवाणी, धन्य है शास्त्र। पिछले जन्म की बात है, किसी दूसरे क्षेत्र की बात होगी, नहीं तो ये मत पूछना कि वो पहले किसने लिखा था, कब का लिखा हुआ था, मुझे मालूम है। दूसरे क्षेत्रों की बातें होगी, विदेश क्षेत्र की बातें होगी, धात की खंड की बातें होगी, ऐरावत की बातें होगी, दूसरी जगह की बातें होगी। तो साहब जनवाणी उसने देखी, पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत बहुमान से उसे ले आया, विनयपूर्वक विराजमान किया, और जब भावलिंगी संतों को, वीतरागी संतों को कभी देखा तो उन्हें विनयपूर्वक उन्हें ज्ञानदान प्रदान किया, शास्त्र दिया। इस ज्ञानदान के फल में वो ग्वाले का जीव मरने के बाद अगले भव में कुंड कुंडपुर में उसने जन्म लिया और कुंद कुंदाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इतना महान काम, ज्ञान दान दो, शास्त्र दान दो, विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाओ, पुस्तकें बांटो, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करो, शास्त्र छपवा छपवा करके बांटो, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, कन्नड़ में, सब जगह पर पहुंचाओ, जगह जगह देश देशांतरों के अंदर पहुंचाओ उनको, एक एक प्रतियां सब जगह, जिस देश में जाओ वहां पहुंचा दो। अरे हिंदुस्तान पर बम गिर गया तो लंदन में बचा हुआ रह जाएगा, जर्मनी में रह जाएगा, वहां रह जाएगा, जापान में रह जाएगा, अमेरिका में रह जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में रह जाएगा, जब जगह पर शास्त्र पहुंचा दो। सुनो, शास्त्र तो पहुंच गए, पढ़ने लिखने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा, उस भाषा को समझने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा? आज ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे हुए पत्थर मिलते हैं अपने, बोलो हम जाते हैं पुरातत्व के नाम पर, देखते हैं, दर्शन कर लेते हैं, जाने कौन सी लकीटे हैं, कौन सी भाषा में, बस देख करके आ जाते हैं, ज्यादा दर्द हो क्लिक कर देते हैं, उसको फोटो खींच के ले आते हैं, और क्या करोगे आप, समझ तो सकते नहीं हो क्या लिखा है। अब यदि आप प्राकृत नहीं जानते, अब यदि आप संस्कृत नहीं जानते तो क्या होगा? समझने और समझाने वाले लोग भी तो चाहिए, विद्वान तैयार करो कि साहब हमसे तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। अब बोलो, ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं साहब? हम कर सकते हैं श्रुत पंचमी के लिए कुछ? हम कैसे मनाएं श्रुत पंचमी? कि आपके पास में कहीं कोई ग्रंथ देवे तो उन ग्रंथों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो पहुंचा सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। आपको यदि पीडीएफ मिली है, ग्रंथ मिला है, उस पीडीएफ को फॉरवर्ड कर सकते हो। आपने जो प्रवचन सुना है, आपको पसंद आया है, आप किसी दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर सकते हो, आप किसी दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हो। बोलो क्या कर सकते हैं हम? भाई यही काम है भाई साहब, यही करना है। हमारे हाथ में कितने तरह के काम है, सब काम कर सकते हैं। इसके लिए लेबर की भी जरूरत है, मजदूर लोगों की भी जरूरत है, गरीबों की भी जरूरत है, पैसे वालों की भी जरूरत है, बुद्धिमानों की भी जरूरत है, अनुभवी लोगों की भी जरूरत है, प्रूफ रीडिंग करने वालों की भी जरूरत है, छपाई का काम करने वाले, छपवाने वाले लोगों की भी जरूरत है। अरे हर व्यक्ति जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप काम कर सकते हो श्रुत पंचमी पर्व को मनाने के लिए। कैसे मनाएंगे? तब जाकर के जयवंत रहेगा भाई साहब, ये जिन शासन जयवंत वर्ते। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः, क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। अभी कल इसकी महिमा गाएंगे,
इसको बतलाएंगे, इस केवल ज्ञान को दर्पण के समान जो उपमा दी है इसके स्वरूप को कल समझाएंगे, इसकी टीका पढ़ेंगे, इसका भावार्थ पढ़ेंगे, और फिर दूसरे श्लोक के अंदर जब चर्चा करेंगे जिनवाणी क्या है, किस किसका नाम है जिनवाणी, किसे कहें भाई साहब जिनवाणी, तो पढ़ो सुनो तो समझ में आया आपको बात। जिनवाणी, जिनवाणी की सुरक्षा, जिनवाणी की सुरक्षा, जिनवाणी की सुरक्षा, श्रुत पंचमी साहब पूजन कर लो साहब, विधान कराओ साहब, श्रुत पंचमी का विधान, जय हो जय दुसुत देवता, श्रुत देवता की जय हो, जय हो द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो जय हो, बस जय जयकार करते रहो, कुछ नहीं होगा जय जयकार करने से। असली जय जयकार जवान से नहीं होती है, जीवन में उतारने से होती है। जिनवाणी को जीवन में उतारो, ये असली श्रुत पंचमी है। जीवन हो जाए हमारा श्रुतमय जीवन हो जाए, शास्त्रमय जीवन हो जाए, जिनवाणीमय हमारी लाइफ स्टाइल हो जावे, तब समझना कि हमने श्रुत पंचमी मनाई है। सच्चे अर्थों में मनेगी तब जा करके। दीमकों से बचाओ, साफ सफाई करो, कवर चढ़ाओ, फटने से बचाओ, उसमें चावल नहीं रह जाए, उसमें धूल मिट्टी नहीं चढ़ जाए, कितने प्रकार से हो सकती है सुरक्षा, ये सब करने की जरूरत है। थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना, बातें बहुत सारी हो सकती है, हजारों तरह की बातें हो सकती है, हजारों एंगल से हो सकती है श्रुत पंचमी के संदर्भ में चर्चा, लेकिन एक ही एंगल से कही है मैंने। श्रुत पंचमी इसको दूसरे शब्दों में कहें तो सुरक्षा, श्रुत की सुरक्षा, जिनवाणी की सुरक्षा, इसका नाम है श्रुत पंचमी नाम का पर्व। अब सुरक्षित कैसे कर सकते हो आप देखो, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने परिचित लोगों के बीच में पहुंचाओ उसको। अरे कम से कम हमारे सारे रिश्तेदार और परिचित तो ऐसे हो कि जब बैठे तो तत्व चर्चा के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करे। ऐसा है हमारा परिवार, मेरा परिवार भी ऐसा है, मेरे ससुराल का परिवार भी ऐसा है, मेरी माँ का पियर भी ऐसा है, उनके बहनें ऐसी है, उनके भाई ऐसे हैं, हमारी बुआ सास ऐसी है, हमारे चाचा ससुर ऐसे हैं, सब पूरा परिवार जो है ना, सारे सारे लोग इस तरह के हैं, जहां बैठते हैं हम तत्व चर्चा के अलावा दूसरा कुछ नहीं, यही काम करते हैं, सब जगह पर यही काम करते हैं, दूसरा और क्या काम है बतलाओ मेरे को। जहां बैठेंगे कोई बात छेड़ दी, अब बस वही चर्चा घंटों तक तत्व चर्चा चलती रहे, ये यही तो काम करना है, जीवन इसी के लिए होना चाहिए। शांति मिलती है, सुख मिलता है, चैन मिलता है, परम शांति का एकमात्र यही मार्ग है। ये क्यों है, जिनवाणी की शरण में क्यों आए हैं हम, जिनवाणी माँ है भैया, हम क्या कहें, जिनवाणी को तो माँ कहते हैं। बोलो, अब मैं एंगल बदल करके बात करूं, ये साहब मन नहीं लगता साहब शास्त्र में, कभी भक्ति कर, कभी पूजन कर, कभी शास्त्र पढ़, कभी प्रथमानुयोग पढ़, कभी चरणानुयोग पढ़, कभी कर्णानुयोग में उपयोग लगा, कभी पूजन में लगा ले, कभी भजन भक्ति गाने में लगा ले, कभी पाठ करने में लगा ले। तेरा मन तो चंचल है बंदर जैसा, उछलता रहता है इधर से उधर। ये चंचल मन जो बंदर की तरह इधर उधर उछलता रहता है, इसे जिनवाणी रूपी वृक्ष के ऊपर छोड़ दो, कभी प्रथमानुयोग की शाखा पर, कभी चरणानुयोग की शाखा पर, कभी भक्ति की शाखा पर, कभी पूजन की शाखा पर, कभी पाठ की शाखा पर, कभी चरणानुयोग की शाखा पर, उछलने दो हमारे मन रूपी बंदर को, खूब उछलने दो। करो कोशिश, करो प्रयास, लगाओ अपने उपयोग को इस दिशा में, निश्चित तौर पर आपका श्रुत पंचमी पर्व मनाना सार्थक होगा। हमने थोड़ी बहुत बात इनके संदर्भ में कही है, कल अपनी जो चर्चा आगे चल रही है उस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ बातें और कहनी है आपसे थोड़ी बहुत, एक तो PDF के संदर्भ में आज भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, यद्यपि हमने कल और परसों जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता वाला प्रवचन था वहां भी, और कल जो हमने पहला प्रवचन किया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर, वहां भी हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे वो लिंक डाल दी है, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अपने परिवार के बच्चों को कहें, जो लोग बुजुर्ग हैं वे वहां से आपको डाउनलोड करके अवेलेबल करवा देंगे, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, बराबर। तो एक काम तो ये हुआ, दूसरा ये हमने एक टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया है आपकी शंकाओं के समाधान के लिए। हमारे अनिल जी शास्त्री हैं और भी कुछ शास्त्रीय विद्वान रहेंगे जो शंकाओं का समाधान करेंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप शंका समाधान के लिए है, DR संजीव गोधा शंका समाधान, ऐसा आपके यहाँ भी लिंक भी डाल दी गई है कुछ, उससे यदि आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम किस तरह से है उसे आप सीख लीजिए, घर के बच्चों को कहेंगे वो आपको ज्वाइन करा करके दे देंगे, आपको पता लग जाएगा।
क्या होता है, वहां प्रश्न डालिए, रोजाना सुबह के प्रवचन के बाद और शाम के प्रवचन के बाद पब्लिक के लिए उसको खोला जाएगा आपके प्रश्नों के लिए। जैसे अभी अपनी चर्चा चल रही है ना, जो भी आपके प्रश्न हो एक घंटे के लिए खोलेंगे हम उस ग्रुप को, एक घंटे के लिए सिर्फ, जिसमें आप अपने अपने प्रश्न डाल देंगे उसमें, सुबह के प्रवचन के बाद एक घंटे के लिए खोलेंगे, आप उसमें अपने अपने प्रश्न डाल देंगे। जब हमारे विद्वानों को जैसी सुविधा होगी आपके प्रश्नों के जवाब वहां मिल जाएंगे। आप ग्रुप को देख लीजिए, आपको बार बार में यहाँ लिंक दिख रही है, सामने व्यवस्थित दिखाई दे रहा है, वहां से आप जाकर के सर्च करें और उसको ज्वाइन करें। चलिए, और कोई बात तो रही नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो कल मिलते हैं हम लोग। श्रुत पंचमी पर्व मनाइए, आराधना कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय का संकल्प लीजिए। प्रतिदिन स्वाध्याय का संकल्प लेकर के भी श्रुत पंचमी पर्व मना सकते हैं। डेली पढ़ेंगे, रोजाना एक घंटे तो कम से कम सुनेंगे ही। लॉकडाउन खत्म हो गया लेकिन फिर भी हमारा तो स्वाध्याय का क्रम चलता रहेगा। जब तक आधा घंटा स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक सोएंगे नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा के साथ श्रुत पंचमी पर्व को मनाइए। आप सबके जीवन में ये श्रुत माने जिनवाणी माँ ऐसा वरदान देवे, आपके ज्ञान का क्षयोपशम खुले, ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में, आपके चित्त में, आपके अंतरंग परिणामों में शांति का साम्राज्य दौड़े, ऐसी हम भावना बाते हैं। आप सभी को इस प्रकार की शुभकामनाएं देते हुए अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जय जिनेंद्र। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।